केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। रविवार को जेपी नड्डा ने कोलकाता में प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान जेपी नड्डा की पत्नी भी साथ मौजूद रही। पार्टी नेताओं ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। मंदिर में पूजा के बाद जेपी नड्डा ने बताया कि मैंने माँ से प्रार्थना की कि मेरे लोगों पार्टी को शक्ति दे, ऊर्जा दे और मजबूती दे, ताकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समर्पित होकर माँ भारती की सेवा कर सके। बता दें कि जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। अपने दौरे में जेपी नड्डा ने पार्टी में संगठन स्तर की कई बैठकों में शिरकत की और पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जेपी नड्डा कोलकाता में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गौरतलब है कि जब जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल दौरे पर है तो उसी समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी राज्य के दौरे पर आए हुए हैं। भागवत पश्चिम बंगाल में आरएसएस के पूर्वी क्षेत्रीय कार्य समिति के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।